नमस्कार दोस्तों दोस्तों, मेरे पास आज एक वेल्डिंग मशीन आया है। देख सकते हैं MMA 200। और दोस्तों, इसमें कुछ इस तरह का प्रॉब्लम है जैसा कि हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। हम इसे लाइन देते हैं, इसमें हमने लाइन यहाँ पे दे दिया है और देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे डिस्प्ले पे बिल्कुल भी कुछ शो नहीं कर रहा है। और पीछे से देखने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि फैन इसका जो मूव कर रहा है सिर्फ स्लोली स्लोली, उसमें भी पूरा स्पीड नहीं है फैन में। तो कहने का मतलब, इसमें जो इनिशियल पावर सप्लाई आता है NTC के द्वारा, वो सिर्फ यहाँ पे मिल रहा है। बिल्कुल स्लो स्पीड में चल रहा फैन और डिस्प्ले पे कुछ भी नहीं शो कर रहा। तो डिस्प्ले पे शो नहीं करने का मतलब है दोस्तों कि इसका जो लो पावर सप्लाई है, लो वोल्ट पावर सप्लाई 24 वोल्ट का, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 24 वोल्ट का पावर सप्लाई जो यहाँ पे बना हुआ है, ये वाला, ये सेक्शन जो है इसका काम नहीं कर रहा फिलहाल। अब दोस्तों, क्यों काम नहीं कर रहा, अब हम इसमें देखेंगे इसका फॉल्ट कहाँ से है कि 24 वोल्ट पावर सप्लाई तो ख़राब नहीं हो गया है। यदि 24 वोल्ट का भी पावर सप्लाई यदि ख़राब हो जाएगा दोस्तों, तो कुछ इसी तरह का फॉल्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। नो डिस्प्ले, नो आउटपुट। और इसका जहाँ तक दोस्तों, हमने यहाँ पे इसका जो मॉस्फेट होता है और ये जो डायोड होता है, तो सारा मॉस्फेट और डायोड जो हमने चेक कर लिया है, बिल्कुल ओके है, कहीं भी किसी प्रकार दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका जो मेन पावर सप्लाई है, ये वाला, इस कार्ड को हम खोलते हैं और उसके बाद से देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने इसे खोल लिया है, पावर सप्लाई जो कार्ड होता है, बॉटम कार्ड, और उसमें कुछ तरीके से जो है, ये जो है पहले से भी रिपेयर हो रखा है जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पे 2 NTC लगा हुआ है, 3 NTC यहाँ पे होना चाहिए, 2 NTC और एक ये वाला जो है PTC है दोस्तों, 15P लगा हुआ, ये PTC है। और PTC को जो है यहाँ पे बाद में जो है इसे यहाँ शॉर्ट करा दिया, ठीक है। और ये हमने यहाँ पे चेक किया, ये PTC भी दोस्तों ओके है, बिल्कुल ओके होने के कारण ही तो ये आपको वोल्टेज सप्लाई दे रहा है लो वोल्ट, जिससे कि आपको इसका लो वोल्ट पावर सप्लाई जो 24 वोल्ट का होता है वो ऑपरेट हो सके, और उसके बाद जो है आपको इसका मेन पावर सप्लाई वो इस रिले के द्वारा जो है ऑपरेट हो सके। कहने का मतलब, रिले ऑपरेट हो और उसके बाद जो है रिले के मार्फत इसका ये हैवी वाला जो पावर सप्लाई है वो ऑपरेट हो सके। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि शायद हो सकता है कि ये NTC जब आपको गर्म होके कुछ मेल्ट किया होगा, तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे होल टाइप का जो बना हुआ है। तो सर्वप्रथम हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, हम इस रिले को खोल के हम चेक करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं तो रिले जो है बिल्कुल सही बता रहा है। तो रिले को जो है यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं मीटर से, तो ये अभी बिल्कुल सही है बता रहा है दोस्तों। लेकिन जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला पॉइंट जो है आपका, इसका कॉइल वाला पॉइंट होता है, मीटर को कम रेंज में रखते हैं, ठीक है, देख सकते हैं इसमें। 1 ओम्स लगभग बता रहा है यहाँ, ये भी इधर से भी 1 ओम्स बता रहा है। और ये वाला पॉइंट जो है अभी ये अभी लगा हुआ है, ये बिल्कुल शॉर्ट दिखा रहा है अभी, ठीक है। तो जबकि ये शॉर्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, रिले ऑपरेट होने के बाद ही ये शॉर्ट होना चाहिए। तो इसे हम खोल के चेक करते हैं पहले। तो दोस्तों, देख सकते हैं कि हमने इसे तो खोल लिया है, PCB से बाहर निकाल लिया है। अब इसे हम चेक करेंगे, इसका जो ये दो पॉइंट होता है, ये कॉइल वाला पॉइंट होता है इसका, इसमें कि आपको 12 या 24 वोल्ट सप्लाई दी जाती है। तो ये फिलहाल 24 वोल्ट का है, तो 24 वोल्ट सप्लाई इसमें दी जाती है। और ये दोनों पॉइंट जो होता है आपको स्विच का काम करता है, जो ही सप्लाई जाती है इन दोनों पॉइंट में, ये दोनों आपको एक आपस में टच हो जाता है। कंटिन्यू,
टच होते रहता जब तक इसमें वोल्टेज रहेगा। तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं इन दोनों पॉइंट पे, तो देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सही बता रहा है और इस साइड से अभी नहीं चलना चाहिए, शो नहीं करना चाहिए, ये अभी बिल्कुल सही है। लेकिन साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इंटरनली जो है कुछ न कुछ यहाँ पे डैमेज ये दिख रहा है, ठीक है। अब इसके बदले में दोस्तों हम एक पुराना जो दूसरा वेल्डिंग सेट से खोल के रखा था वो हम लेते हैं और इसे भी यहाँ पे चेक करते हैं। तो ये भी सेम उसी तरह से जो है ये यहाँ पे शो कर रहा है, दिखा रहा है, देख सकते हैं मीटर में। अब हम इसको दोस्तों प्रैक्टिकली थोड़ा सा चेक करेंगे। यहाँ पे चूँकि 12 वोल्ट का सप्लाई तो नहीं है मेरे पास फिलहाल, सॉरी 24 वोल्ट का सप्लाई तो नहीं है, या फिलहाल 12 वोल्ट का सप्लाई है, बैटरी है यहाँ पे। तो सर्वप्रथम जो है ये वाला रिले को लेते हैं और इसमें एक तो यहाँ पे कॉइल वाला पॉइंट है, एक पॉइंट जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, तो इसमें जो है हम एक वायर को यहाँ जोड़ लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, और दूसरा पॉइंट जो है हम बैटरी के टर्मिनल पे डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है इसमें जो है आप आवाज़ यहाँ पे सुन सकते हैं, क्योंकि 24 वोल्ट का है तो ये 12 पे भी ऑपरेट होना चाहिए कुछ न कुछ। तो ये वाला पॉइंट तो पहले से कनेक्ट है, तो ये एक तो इस पॉइंट पे देते हैं, ये जो वायर है इस पॉइंट पे देते हैं, तो आपको यहाँ पे सुनाई नहीं दे रहा होगा, टच कर रहे हैं लेकिन सुनाई नहीं दे रहा आपका, ठीक है। अब सेम हम ये व्हाइट वाला जो है दूसरा वाला उसको लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने इसमें भी एक वायर को यहाँ कनेक्ट कर लिया है और दूसरा टर्मिनल पे जो है डायरेक्ट हम बैटरी का टर्मिनल को टच करेंगे यहाँ, और उसके बाद जो इसमें से जो आवाज़ आपको रिले ऑपरेट होने का जो आवाज़ है वो आप सुन पाइएगा, सुन सकते हैं यहाँ, देख सकते हैं जो ही हम यहाँ टच करते हैं ये रिले ऑपरेट होता है, जबकि ये 24 वोल्ट का रिले है दोस्तों। अब यही रिले जो है आपको वेल्डिंग मशीन से हमने खोला था और इसी रिले को यहाँ पे हम इस पावर सप्लाई वाला जो कार्ड है बोर्ड है उस पर हम यहाँ इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद जो है वेल्डिंग मशीन को ऑन करके देखते हैं। चलिए हम सबसे पहले इसे हम लगा लेते हैं बोर्ड पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो दूसरा आपको रिले था व्हाइट वाला उसे हम इस बोर्ड पे यहाँ पे लगा लिया है और सोल्डिंग भी अच्छी तरीके से कर लिया है दोस्तों। अब थोड़ा सा इसे हम क्लियर कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं पीसीबी को ब्रश की सहायता से, और साथ में वेल्डिंग मशीन के अंदर में फिट कर लेते हैं, और उसके बाद जो है आपको इस मशीन का जो स्थिति है वो हम दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे इसको सेट कर लिया है। अब दोस्तों हम इसमें लाइन देख देखते हैं, चलिए लाइन दीजिए। तो एक बार सीरीज में देख के हम चेक कर रहे हैं अभी, तो डिस्प्ले जो है अपना यहाँ पे देख सकते हैं कि आ गया है, और तकरीबन ये रहा आपका सीरीज लाइट जो कि ग्लो कर रहा है। 100 वाट का बल्ब है फिलहाल, इसलिए इतना ज़्यादा कर रहा है। 200 वाट का बल्ब लगा के आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, तो इसमें जो है ना कुछ कम ही जलेगा आपको 200 वाट, तो 185 पे यहाँ पे ये भी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। अब दोस्तों इसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो हम यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं, डीसी 50 वोल्ट पे रख के, ये प्लस ये माइनस, माइनस ये प्लस, तो तकरीबन यहाँ हमें अभी 40 वोल्ट के आसपास यहाँ पे मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि इस तरह से जो है आप वेल्डिंग मशीन को रिपेयर कर सकते हैं। इस तरह का प्रॉब्लम जो है ना बहुत तो इन्वर्टर वेल्डिंग मशीन में आता है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।